हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी लोग अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में डिलाइट ऑफ एशिया के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इस वाले वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स यह एक लॉन्ग पोएम है और यह पूरी पोएम जो है कई पार्ट में कंप्लीट होगी, तो हम लोग इसी तरह क्रम से जो है पार्ट वाइज अध्ययन करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब सितार को जो है जो वाद्य यंत्र होता है सितार को चौखट पर रख दिया गया तो हवा जो है बहती थी और वह सितार के ताव से टकराती थी तो अपने आप संगीत उत्पन्न होता था, एक सुंदर संगीत उत्पन्न हुआ। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने जो है उस सुंदर संगीत को सुना, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने यह सुना कि देवता लोग इसको बजा रहे हैं और संगीत के माध्यम से उनको संदेश दे रहे हैं, देवता उनसे अपील कर रहे हैं कि वह अपने राज्य को छोड़ दें, यह संसार जो है दुख से भरा हुआ है, लोग दुखी हैं, लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें जो अपने राज्य को छोड़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने देवताओं ने उस संगीत के माध्यम से यह मैसेज दिया कि यह संसार जो है दुख से भरा हुआ है, इसमें केवल दुख ही है, जो सुख है वह केवल दिखावा मात्र। उन्होंने कहा कि जिन चीजों को तुम सुंदर समझ रहे हो, जिन चीजों से तुम चिपके हुए हो, वह जो है वह उसे अंत में दुख में पीड़ित हो जाना है, उनको समाप्त हो जाना है, यह केवल दिखावा मात्र है। इसलिए उन हवाओं ने अपील किया कि तुम अपने राज्य को छोड़ दो और लोगों की मदद करो और मुक्ति की खोज करो। उसके बाद से है जो उन्होंने इस संगीत को सुना, उसके बाद से है कि देयर आफ्टर इट बेफेल ही सैट एट ईव अमिड हिज ब्यूटीज कोर्ट होल्डिंग द हैंड ऑफ स्वीट यशोदरा। कह रहा है कि देयर आफ्टर, इसके बाद इट बेफेल, ऐसा हुआ, चूंकि बेफेल का मतलब होता है घटित होना, बेफेल का मतलब घटित होना है। ग्रेट बिफेल, ऐसा हुआ कि ही सैट, वह बैठे हुए थे एट ईव, एविंग मतलब इवनिंग, शाम के समय, अमिड हिज ब्यूटीज कोर्ट, कह रहा है कि अपने सुंदर कोर्ट के मध्य में, कह रहा है कि अपने सुंदर कोर्ट के बीच वह जो है शाम को बैठे हुए थे, होल्डिंग, पकड़े हुए द हैंड ऑफ स्वीट यशोदरा, कह रहा है कि सुंदर यशोदरा के हाथों को पकड़े हुए अपने सुंदर महल के बीच में बैठे हुए थे, सुंदर कोर्ट के दरबार के बीच में बैठे हुए थे। एंड सम मेड टोल्ड, और किसी मेट्स, नौकरानी ने टोल्ड, कहना प्रारंभ किया, विथ ब्रेक्स ऑफ म्यूजिक, जब संगीत ब्रेक हो गया, अर्थात जब संगीत धीमा पड़ गया, रुक गया, वेन हर रिच वॉइस स्टॉप, और जब उसकी मधुर आवाज जो है धीमी पड़ गई, तब जो है एक नौकरानी ने कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया? एन एंशियंट टेल, एक प्राचीन कहानी, टू स्पेड द आवर ऑफ डस्क, टू स्पेड, व्यतीत करने के लिए, The hour of dusk, कह रहा है कि संध्याकालीन समय को, और मीन समय, डस्क मतलब संध्याकालीन, जब सूर्य डूबने लगता है। अब देखिए यहां पर एंड सम, अब यहां देखिए ये जो है एंड सम में टोल्ड का लाइन इससे कंप्लीट हो रहा है, नीचे वाले से, लेकिन बीच में ये कह रहा है, मैं फिर से बता दूं कि देर आफ्टर, इसके बाद बेफेल, ऐसा हुआ कि सेट वह बैठे हुए थे एट ईव, शाम के समय, अमेड हिज ब्यूटीज कोर्ट, अपने सुंदर दरबार के बीच, होल्डिंग, पकड़े हुए द हैंड ऑफ स्वीट यशोदरा, सुंदर यशोदरा के हाथ को, एंड सम मेड, और जो है कुछ क्या यहाँ पर किसी से होगा, कह रहा है कि किसी नौकराई ने टोल्ड, कहना प्रारंभ किया, अब इस लैंग्वेज में भी छोड़ा, ठीक है, एन एंशियंट टेल, एक प्राचीन कहानी, टू स्पेड, व्यतीत करने के लिए, द आवर ऑफ डस्क, कह रहा है कि संध्या के समय, और नौकराई ने कब कहना प्रारंभ किया, अब ये लाइन यहाँ है, जब जो है विद ब्रेक्स ऑफ म्यूजिक, जब संगीत रुक जाता है, एंड वेन, और जब हर रीच वैस, उसकी मधुर आवाज ड्रॉप, मतलब धीमी पड़ जाती, तब उसने जो है इस कहानी को कहना प्रारंभ किया। और कहानी किसकी थी? आप लव, प्रेम की कहानी थी, एंड ऑफ ए मैजिक हॉर्स, जादुई घोड़े की कहानी थी, एंड लैंड्स वंडरफुल, लैंड्स मीन देश, एंड वंडरफुल मीन आश्चर्यजनक, और आश्चर्यजनक देश के बारे में थी, डिस्टेंट मतलब दूर के देश के बारे में, दूर जो है, दूर देश, दूर आश्चर्यजनक देश के बारे में थी, वेयर, जहां पर पेल पीपल, पीले लोग, ड्वेल्ड, निवास करते थे, ड्वेल मीन्स निवास करते, जहां पर पीले लोग निवास करते थे, एंड वेयर, और जहां पर द सन एट नाइट, सूर्य रात में सैंक, डूब जाता है, इन टू सीज, समुद्र में, जहां पर सूर्य रात में समुद्र में डूब जाता है, देन स्पेक ही साइन, देन तब जो है स्पेक ही, उन्होंने, वह बोले, साइंग, आहें भरते हुए, तो वह आहें भरते हुए बोले, राजकुमार सिद्धार्थ को कहा जा रहा है, राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि चित्रा
चित्रा ब्रिंग्स मी बैक, चित्रा मुझे वापस लेकर आती है, द विंड सॉन्ग इन द स्ट्रिंग, कह कि तारों पर गाए हुए गीत की तरफ, चित्रा मुझे तारों पर गाए हुए गीत की तरफ वापस लेकर आती है, विद दैट फेरी टेल, इस परियों की कहानी के साथ। उनका कहने मतलब चित्रा जो है, जो चित्रा ही वह परियों की कहानी सुना रही थी, तो करे उसमें कह रहा है कि चित्रा जो है इस परियों की कहानी कहानी के द्वारा मुझे वापस जो है उस तारों पर गाए गए उस संगीत की तरफ लेकर आती है, मतलब उस संगीत के माध्यम से जो मैसेज देवताओं ने राजकुमार को दिया था उसकी तरफ, इसमें बता रहा हूँ। देन स्पेक ही, तब वह बोले साइंग आगे बढ़ते हुए कि चित्रा ब्रिंग्स मी बैक, चित्रा मुझे वापस लेकर आती है द विंड सॉन्ग इन द स्ट्रिंग, तारों पर गाए हुए गीत की तरफ, विद दैट फेरी टेल, इस परी की कहानी के साथ या इस परी कहानी के द्वारा। अब सिद्धार्थ ने यशोधरा से कहा कि गिव हर यशोधरा थाई पर फॉर थैंक्स, उन्होंने कहा गिव हर यशोधरा उसे दे दो थाई पर अपना मोती फॉर थैंक्स, धन्यवाद सुन, मतलब वो इतना अच्छा कहानी सुनाती है कि वो खुश होते हैं और यशोदास कहते हैं उसे अपना मोती दे दो। बट डू माई पर्लिस, लेकिन यशोदा कहते हैं कि बट डू माई पर्लिस, डू का मतलब यहाँ पर यू है तुम, यशोदा ने कहा कि लेकिन मेरे मोती तो आप हैं। इज देयर सो वाइड वर्ल्ड, तो फिर राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि इज देयर सो वाइड वर्ल्ड, क्या इतना विस्तृत संसार भी है। अब वो कहानी के माध्यम से उनके अंदर उनको समझ में आता है कि वो संसार को देखने की इच्छा उनकी होती है, कहे कि इज देयर सो वाइड वर्ल्ड, क्या संसार इतना विस्तृत है, इज देयर ए लैंड, क्या कोई ऐसा देश भी है, विच सीज द ग्रेट सन रोल, कह कि जो सूर्य को डूबते हुए देखता है इन टू द वेव्स, लहरों में, क्या कोई ऐसा भी देश है जो सूर्य को लहरों में डूबते हुए देखता है, एंड आर देयर हार्ट्स लाइक आवर्स, या हार्ट का मतलब हृदय, हृदय मतलब लोक से है, हार्ट में सीधे हृदय मतलब लोक से, एंड आर देयर हार्ट्स लाइक आवर्स, और क्या हमारे जैसे लोग भी हैं, काउंटलेस अनगिनत, अननोन अनजान, नॉट हैप्पी दुखी, जो खुश नहीं है, इट मे भी ऐसा हो सकता है, करा हुम वी माइट सॉकर, हुम वी माइट सुकर, सुकर में होता है सहायता करना, करा कि हुम जिनकी वी माइट सुकर हम सहायता कर सकते, इफ वी न्यू ऑफ देम, यदि हम उनको जानते, ऑफ टाइम्स प्रायः आई मार्वल, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, एज द लॉर्ड ऑफ डे, जब दिन के मालिक मतलब सूर्य, कह रहा है कि ऑफ टाइम प्राय आई मारेल, मुझे मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, एज द लॉर्ड ऑफ डे, जब दिन के स्वामी अर्थात सूर्य ट्रेड्स चलते हैं फ्रॉम द ईस्ट, पूर्व की तरफ से, हिज किंगली रोड ऑफ गोल्ड, कह रहा है कि अपने सोने के शाही मार्ग, प्राय मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, जब दिन के देवता था सूर्य कराया कि पूर्व से अपने शाही मार्ग पर चलते हैं, सोने के शाही मार्ग चलते हैं, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, कराया हु फर्स्ट, कौन सबसे पहले ऑन द वर्ड्स इज, संसार के किनारे पर, हैथ हेल्ड हिज बीम, हेल्ड मीन्स स्वागत करना, अब बीम मीन्स किरणे, बीम मीन्स किरणे, हेल्ड मीन्स स्वागत किया, कराया कि हु कौन फर्स्ट ऑन द वर्ड्स इज, संसार किनारे पर कौन सर्वप्रथम हैथ हेल्ड हिज बीम, उनकी किरणों का स्वागत किया होगा या उनकी किरणों का स्वागत करता होगा, द चिल्ड्रेन ऑफ द मॉर्निंग, करे कि द चिल्ड्रेन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के बच्चे कौन है, चूंकि कौन लिखा नहीं है लेकिन इसका अर्थ ये है, द चिल्ड्रेन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के बच्चे कौन है, मतलब कहना है मैं उनको देखना चाहता हूं, ऑफन टाइम्स प्रायः इवन इन थाइन आन, करे कि तुम्हारी भुजाओं में पड़े हुए, एंड ऑन थाई ब्रेस्ट, तुम्हारे सीने पर पड़े हुए, ब्राइट माई वाइफ, मेरी सुंदर पत्नी, सोर आई हैव सोर, मतलब मुझे कष्ट का अनुभव होता है, कह रहे कि सोर, मुझे इतना कष्ट का अनुभव होता है भाई पैंटेड, कि मैं हाफ रहा हूं, फ्रेंड्स थोड़ा लाइट कट गई इसलिए थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया है, एट द सन्स डेक्लाइन, कह रहे कि एट द सन डेक्लाइन, सूर्य के अस्त होने पर, चूंकि डेक्लाइन का शाब्दिक अर्थ नष्ट होना होता है, यहां पर एट द सन डेक्लाइन, तो सूर्य के अस्त होने पर, टू पास विथ हिम, मैं उनके साथ जाना चाहता हूं, टू द क्रिम्सन वेस्ट, कह रहा है कि लाल पश्चिम में, मैं उनके साथ लाल पश्चिम में जाना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य जब डूबने लगता है तो पश्चिम से लाल दिखाई देने लगता है, एंड सी, और देखना चाहता हूं द पीपल ऑफ द इवनिंग, शाम के लोगों को, कि शाम के लोग कैसे होते हैं, देयर मस्ट बी मैनी वी शुड लव हाउ एल्स, कह रहा है कि देयर मस्ट बी मैनी वी शुड लव, कह रहा है बहुत वहां पर बहुत सारे लोग होंगे वी शुड लव, जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, नाउ हैव आई इन दिस आवर, कह रहा है कि अब जो है, हैव आई इन दिस आवर,
एन एच एट लास्ट, कह रहे हैं कि अंततः जो है, एट लास्ट में तो अंततः नाउ है भाई इन दिस आवर एन एच एच में कष्ट, कह रहे हैं कि अब जो है अंततः मुझे मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, कह रहा है कि थाई सॉ, कह रहा है कि मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, थाई सॉफ्ट लिप्स तुम्हारे, जिसे तुम्हारे मधुर होंठ कैन नॉट किस अवे, कह रहा है चुंबन करके दूर नहीं कर सकते वो गर्ल, अपनी पत्नी से कहते हैं वो गर्ल अब मैं जो है कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, जिसे तुम्हारे मधुर होंठ जो है चुंबन से दूर नहीं कर सकते। ओ चित्रा, उन्होंने कहा कि ओ चित्रा यू दैट नो ऑफ फेरीलैंड, कह रहा है कि तुम जो है उस परियों के देश के बारे में जानती हो, फेरीलैंड मतलब परी देश, परियों का देश, वेयर जहां पर टेथर द दैट स्विफ्ट स्टीड ऑफ द टेल, स्विफ्ट स्टीड तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा, और टेल माने कहानी होती है और टेथर माने बांधना, कह रहा है कि वो चित्रा यू दैट नो ऑफ फेरीलैंड, तुम परियों के देश के बारे में जानती हो, वेयर जहां पर टेथर दैट स्विफ्ट स्टीड ऑफ द टेल, जहां पर उन्होंने, जहां पर वे जो है कहानी के तेज कहानी में बताए गए तेज गति से चलने वाले घोड़ों को उन्होंने बांधा था। उन्होंने कहा कि वो चित्रा जो है तुम उस परियों के देश के बारे में जानती हो जहां पर जो है कहानी में उस तेज गति से चलने वाले घोड़े को वहां पर बांधा गया था। करें उन्होंने कहा कि माई पैलेस फॉर वन डे अपन हिज बैक, बैक मैंने पीठ, उन्होंने कहा कि मैं उसकी पीठ पर बैठने के लिए, एक दिन बैठने के लिए मैं अपना राज्य देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक दिन के लिए उसकी पीठ पर बैठने के लिए मैं अपना राज्य देने को तैयार हूं। टू राइड एंड राइड, मैं इस पर सवारी करना चाहता हूं, एंड सी द स्प्रेड ऑफ द अर्थ, और मैं पृथ्वी के विस्तार को देखना चाहता हूं। नहीं, इफ आई हैड, करें कि यदि जो है आई हैड, मेरे पास होता है योन कालो वल्चर प्लम्स, करें कि कालो वल्चर प्लम्स, वल्चर वल्चर मतलब होता है गिद्ध। उन्होंने कहा कि काश मेरे पास उस गिद्ध गिद्ध जैसे पंख होते। देखिए उन्होंने कहा कि टू राइड एंड राइड, मैं सवारी करना चाहता हूँ, एंड सी द स्पीड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के विस्तार को देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मतलब इतना ही नहीं, इफ आई हैड योन, योन का मतलब होता है सामने, यहाँ योन का मतलब सामने वाला, कॉलो का मतलब होता है छोटा या अनुभव शून्य पक्षी, और वल्चर मतलब गिद्ध होता है, प्लस जानते पंख। उसका कहने मतलब कि इतना ही नहीं, यदि मेरे पास उस गिद्ध जैसे पंख होते। द कैरियन, कैरियन मतलब होता है सड़ा हुआ मांस, मतलब उसका कहने मतलब काश मेरे पास उस गिद्ध पक्षी के समान पंख होते जो सड़े हुए मांसों को खाता है। एयर मींस होता है उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी है किसका, अ वाइडर रिल्म देन माइन, करे मेरे राज्य, मेरे भी राज्य से बड़े बड़े राज्य का, करे जो मेरे भी राज्य से बड़े राज्य का उत्तराधिकारी है, मैं उस गिद्ध पक्षी के समान मेरे पास पंख होते, क्योंकि गिद्ध का तो पूरा आसमान ही उसका पूरा राज्य है। तब कह रहा है हाउ वुड आई स्ट्रेच, तो कह रहा है कि किस प्रकार मैं जो है, हाउ वुड आई स्ट्रेच, मैं फॉर टॉप मोस्ट हिमालयास, कह रहा है कि तो मैं जो स्ट्रेच अपने पंखों को फैलाकर फॉर टॉप मोस्ट हिमालयास, हिमालय के सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंच जाता। लाइट, कह रहा है प्रकाश, वेयर द रोज ग्लिम, कह रहा है जहां पर द रोज ग्लिम गुलाबी प्रकाश लिंजर्स ठहरती है ऑन दोज स्नोस, कह रहा है कि उन बर्फों पर, जहां पर गुलाबी प्रकाश उन बर्फों पर ठहरता है। एंड स्ट्रेन, करे और मैं वहां पर स्ट्रेन में गेज अपनी दृष्टि को फैलाता विथ सर्चिंग, ढूंढने के लिए या जानने के लिए कि व्हाट इज राउंड, की चारों तरफ क्या है। उसका कहने मतलब है वो करे काश मेरे पास गिद्ध के जैसे पंख होता तो मैं उड़कर हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी पर चला जाता और वहां पर जहां पर जो है प्रकाश विदा होने से पहले कुछ समय तक उस बर्फ पे ठहरता है, तो मैं वहां पर जो है चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमा करके चारों तरफ देखता क्या है। कह रहे हैं वाई हैव आई नेवर सीन, मैंने अब तक क्यों नहीं देखा, एंड नेवर सॉट, और मैंने कभी क्यों देखने की कोशिश नहीं की। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज लाइस, क्या है बियॉन्ड आवर ब्रेजन गेट्स, हमारे पीतल के गेट के बाहर। देन वन रिप्लाइड, तब एक ने उत्तर दिया, द सिटी फर्स्ट, किसी ने उत्तर दिया कि सबसे पहले शहर है, फिर सुंदर राजकुमार सबसे पहले शहर है, द टेम्पल्स फिर मंदिर है, एंड द गार्डन्स बगीचा है, एंड द ग्रुप्स और कुंज है, पेड़ों के समूह को कुंज बोलते हैं, एंड देन द फील्ड्स और तब मैदान है, एंड आफ्टर वॉट और उसके बाद फ्रेश फील्ड, ताजे मैदान मतलब खेत है फसल से भरे हुए, विथ नल्ला जिसमें नाले हैं, मैदान है, जंगल है, कोसन मतलब कोसों और कोसों तक फैला हुआ, कोसों और कोस तक फैला हुआ ये सारी चीजें हैं। एंड द नेक्स्ट और इसके बाद जो है किंग बिम्सार्स रिल्म, राजा बिम्बसार का राज्य है। एंड देन और तब
द वास्ट फ्लैट वर्ल्ड, कह रहा है कि विशाल फ्लैट वर्ल्ड, समतल समतल संसार है, विथ क्रोर्स ऑन क्रोर्स ऑफ फॉल, फॉल्क मीन्स होता है लोग, क्रोर का मतलब करोड़ करोड़, कह रहा है कि द वास्ट फ्लैट वर्ल्ड, फिर कह रहा है विशाल समतल मैदान है, विथ क्रोर एंड क्रोर्स ऑफ फॉल्क, कह रहा है जिसमें करोड़ों और करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं। गुड सिद्धार्थ, गुड सेठ, गुड सेठ सिद्धार्थ, अच्छा सेठ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने कहा कि अच्छा। लेट द वर्ल्ड बी सेंट, वर्ड का मतलब समाचार, सेंड मतलब भिजवाना, कह रहा है यह समाचार भिजवा दिया जाए कि दैट चन्ना योक माई चैरट, चैरट मीन होता है रथ, योक मने होता है जोतना, यह उन्होंने सिद्धार्थ ने कहा कि लेट द वर्ल्ड, यह समाचार या संदेश भिजवा दिया जाए कि चन्ना योक माई चैरट, कि चन्ना मेरे रथ को तैयार करे, एट नून दोपहर के समय, टुमारो कल आई सर राइट, मैं जाऊंगा मतलब मैं रथ पे सवारी करके जाऊंगा, एंड सी बियॉन्ड, और मैं एंड सी बियॉन्ड, और अपने बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, मतलब उनका कहने मतलब मैं अपने राज्य से परे चीजों को देखूंगा या राज्य के बाहर की चीजों को देखूंगा, राज्य के बाहर का मतलब है मतलब उनके महल के बाहर की चीजों को देखूंगा। उसके बाद है वेयर ऑफ, इस पर जो है दे टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा से कहा, आवर लॉर्ड, हमारे मालिक थाइसन, आपके पुत्र, हमारे मालिक और आपके पुत्र विल्स इच्छा व्यक्त किए हैं कि ही चैरट बी योक्ड एट नून, कि दोपहर के समय उनके चैरट, उनके रथ को जो है योक जोत दिया जाए, मतलब उनके रथ को तैयार कर दिया जाए, दैट ही मे राइड, जिससे वह जो है मे राइड अब्रॉड, अपने महल से बाहर जा सके, एंड सी मैनकाइंड, और मानव जाति को देख सके। फिर हम लोग जो है आज इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट भाग रहेगा, देखते हैं हम लोग कितने भाग में ये कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, एक या दो बार देख लीजिएगा तो पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।